नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे हो जो है एनडीएस और एएमआरएस की तरफ, जस्ट वो कॉल बोलेंगे टीचिंग वैकेंसी का, और ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका इंतजार कर रही है कि अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करके और उनको कहीं ना कहीं पोस्टिंग दी। ये वैकेंसीज आपके दरवाजे पे हैं, बहुत जल्द आने वाली हैं, और आप लोग की हमेशा शिकायत रहती है कि सर परीक्षा प्लस ईएमआरएस में है लेकिन नॉन टीचिंग की तैयारी बहुत बढ़िया करवाती है, टीचिंग में सारे विषयों के सभी के अगर टीचिंग वैकेंसीज की बात किया जाए तो कोर्स नहीं रहते, तो टीम परीक्षा प्लस इस बार आपके टीचिंग वैकेंसीज के लिए सुपार्ट जाए। ईएमआरएस की बात करें या एनबीएस की बात करें या फिर हम केवी की बात करें, सभी के लिए बहुत बेहतरीन प्लानिंग लेके आ रही है, और ये शुरुआत होती है आज के सेशन से। आज के क्लास से मैं आपको सबको समझाने वाला हूं कि टीजीटी में अगर आप सपना देख रहे हो, टीजीटी पॉजिटिव बनना चाह रहे हो, तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, एज क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेबस पैटर्न क्या होता है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब आएगी ये वैकेंसी का एग्जाम, कब होने वाला है, और साथ में तक क्या कट ऑफ जाता है कि हमारा सिलेक्शन हो पाए, तो सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, बहुत जीरो से बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, और हम ये भी समझेंगे कि आखिर इनमें सिमिलरिटी या डिफरेंसेस क्या है। मैं बार बार बोलता हूँ एनवीएस ईएमआरएस बिल्कुल एक जैसा है, और एनवीएस ईएमआरएस की बात ना करो, अगर केवीएस और डीएसएसबी की बात करें तो वो भी इन्हीं के जैसे हैं, और ये चार पांच सेगमेंट ऐसे हैं जो एक ही सिलेबस पैटर्न, एक ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और आपका आपको सिलेक्शन देते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस सेशन सबको समझने वाले हैं, वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि टीम परीक्षा प्लस जैसा नाम है वैसा आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी करवाने वाली है, और सब कुछ जीरो से आपको आपके सिलेक्शन तक बताने वाले। सबसे पहले आपका जो मोटिवेशन सबसे बड़ा कि आखिर कब आएगा फॉर्म, कब एग्जाम डेट होगा, तो आप सबसे पहले एग्जाम डेट देखो, रिटर्न एग्जामिनेशन सीबीटी 30 सितंबर 2024 को आपका पेपर होने वाला है, तमाम टीच और नॉन टीचिंग पदों का एक बार पुनः, और ये कैलेंडर है ऐसे ही बिल्कुल जो कैलेंडर आप देख रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन का अंतर आप समझ के चलो, यही कैलेंडर आपका ईएमआरएस का भी आने वाला है, लगभग इसी के आसपास एग्जाम पड़ेगा, 15 जुलाई के आसपास ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, 15 अगस्त तक आपका फॉर्म पड़ेगा, और उसके बाद देखा जाए तो 31 में आपका क्या आ जाएगा, आपका लिस्ट आ जाएगी जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, अगर कोई इंटरव्यू वगैरह होना है, स्किल टेस्ट होना है, तो वो आपका 30 नवंबर तक, और 31 दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट करके जनवरी फरवरी में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन ये फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक पहुंचने के लिए एक एक चीज हम लोग समझेंगे, जैसे ये एनवीएस का है, ये पिछली बार का मैंने बताया पीजीटी ग्रुप बी में, ये आप देखोगे तो 397 पद, कितने पद आते हैं एक बार आप देख लो लगभग लगभग, और अगर हम लोग बात करेंगे टीजीटी के जो मेन सब्जेक्ट है 683, ये लगभग अगर देखा जाए तो 1-1.5 हजार पद आपके, ये बात किया जाए ये है आपके बोल सकते हो एनबीएस का, और अगर ईएमआरएस की बात किया जाए टीजीटी में, तो टीजीटी में केवल इन 5 विषयों में जो मेन पार्ट बोला जाता है इनमें 3311 पद थे, हालांकि ईएमआरएस क्योंकि पहली बार था इसलिए ज्यादा पद है, फेज टू में भी ज्यादा पद आने वाले हैं ये आपको पता है, क्योंकि टोटल जितने 740 ईएमआरएस हैं और 740 ईएमआरएस में कितनी वैकेंसीज खाली हैं यह आपको सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लगभग 15,000 पद ईएमआरएस की तरफ से भी आ रहे हैं। अगर ईएमआरएस से थर्ड लैंग्वेज की बात किया जाए तो लगभग 652 पद थे, और ऐसे ही आपके एनवीएस में बात किया जाए मिसलेनियस कैटेगरी का तो 181 थे, और अगर ईएमआरएस में बात किया जाए मिसलेनियस कैटेगरी का तो आपके टोटल 1697, यहां पे अगर आप देखोगे तो लगभग 1697 वैकेंसी इसमें थी, तो ओवरऑल 4-5 हजार के आसपास आपकी ईएमआरएस में वैकेंसी थी, बार भी लगभग ऐसे आने वाली है, और अगर हम लोग एनवीएस की बात करें तो कम से कम 2-2.5 हजार वैकेंसी कम से कम केवल एनवीएस की कैटेगरी में आने वाली है, तो ओवरऑल आपका देखा जाए 7-8 हजार वैकेंसी ये हो गई, साथ में जिसके जस्ट बाद आपके केवीएस आने वाले हैं उसमें भी 4-5 हजार वैकेंसी, और डीएसएसबी की लगभग 5 हजार वैकेंसी चल ही रही है, तो 12-13 हजार वैकेंसी आपकी केवल टीजीटी के सेम तैयारी पे, सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम है, तो फिर हम लोग इसकी तैयारी क्यों ना बेहतरीन तरीके से, सब कुछ मैं समझाता हूँ आपका कि ये आपके कितने पद थे पिछली बार वो सब कुछ समझाया। अब आते हैं कि अगर आप इसमें वाकई में जगह बनाना चाहते हो, आप इसमें इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो ये जानना जरूरी होता है कि क्या आप एलिजिबल हो। सबसे पहले ये पीजीटी का है, पीजीटी पर भी मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं पीजीटी का अलग से वीडियो बना दूंगा, ये मास्टर्स वगैरह के हैं, ठीक है। और अब आते हैं हम बात मेन जो टीजीटी का करते हैं, तो ये जो टीजीटी का क्वालिफिकेशन है ये तो पीजीटी का ही है, टीजीटी की बात किया जाए हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं ईएमआरएस के, ईएमआरएस या एनवीएस के ग्रेड पे की बात करते हैं कि आखिर आपको सैलरी कितने मिलेगी। ईएमआरएस क्या करता है,
हमारे जो मेन टीजीटी के टीचर होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इवन थर्ड लैंग्वेज और लाइबेरियन को भी ये रखता है लेवल 7 की कैटेगरी में। और जो बाकी होते हैं मिसलिनियस कैटेगरी के टीजीटी होते हैं जैसे म्यूजिक, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन, इनमें मेल हो या फीमेल इनको लेवल 6 की कैटेगरी में रखता है, मतलब कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक और यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 तक। लेकिन ये लेवल 7 है, आप इसे सैलरी मत समझिएगा, इस पे तमाम अलाउंसेस तमाम सारी चीजें छोड़ के और ये सैलरी जो आपकी बनती है लेवल 7 पे कम से कम नहीं तो 65,000 से 70,000 के बीच में जाके आपकी सैलरी बैठती है। और अच्छी बात यह है कि EMRS और NBS रेसिडेंशियल स्कूल हैं तो यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा आज जैसे बाकी आप टीजीटी बनते हो तो आप शाम के टाइम घर आ जाते हो, यहाँ पे क्या होता है आपको उन्हीं स्कूल में रहना होता है बच्चों के और भी तैयारी कराने के लिए, लेकिन EMRS NBS आपके इस बात को समझता है और इसके लिए भी वो एक्स्ट्रा पर्क, एक्स्ट्रा अलाउंसेस सब कुछ देता है। तो कुल मिला के आपको टीजीटी लेवल पे 80-85 हज़ार तक का फायदा हो जाता है और ये आपका क्या है, ये आपके एक मोटा मोटा में जो सैलरी और आपके बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ वो आपका जाता है, जो आपके मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है। लेकिन EMRS जो करता है, सॉरी NBS जो करता है, EMRS अगर देखा जाए तो ये स्पेशल जो कैटेगरी होते हैं इनको लेवल 6 में रखता है, बट NBS क्या करता है, NBS सभी को लेवल 7 की कैटेगरी में रखता है। तो NBS के अंतर्गत सारी ही चीजें क्या होती हैं लेवल 7 की कैटेगरी में आती हैं, वो चाहे मिसलिनियस कैटेगरी हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे टीजीटी इन सब्जेक्ट का। तो ये आप पे स्केल वगैरह देख लियोगे। अब क्या होता है, अपर एज लिमिट जो होता है वो 35 साल माना गया है किसके लिए, टीजीटी के लिए। लेकिन अगर कोई EMRS से NBS का ही होता है तो उसके लिए NBS में कोई अपर कैप नहीं होता और EMRS में 55 साल तक का होता है। बाकी एज रिलैक्सेशन में सबको बता दूंगा। मेन आते हैं कि क्या आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इन जनरल केस में आप 35 साल एज का देख लो और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हर मैं मेन मेन सब्जेक्ट का बता दे रहा हूँ, उसके बाद में एक एक सेशन आपको जैसे टीजीटी मैथ्स का अलग लेके, टीजीटी साइंस का अलग, टीजीटी सोशल साइंस का अलग, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, सभी को मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा छोटे छोटे वीडियो में, ताकि जिस जो सब्जेक्ट आपका हो उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिल जाए। अब आते हैं इन जनरल देखा जाए तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ बिजनेस कॉलेज ये होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। NBS की बात कर लो, बैचलर अगर आपका ऑनर्स डिग्री है तो 50% होना चाहिए और कम से कम क्या होना चाहिए, शुड हैव स्टडीड रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, 3 सालों में 2 साल आपको सब्जेक्ट पढ़े होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए वो भी ओवरऑल 50% में, जिसमें आपको 3 साल क्या होना चाहिए वो कोर्स, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। अगर आपका ऑनर्स नहीं तो 3 साल वो सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर आपका ऑनर्स है तो 3 में से 2 साल तो वो होना ही होना चाहिए। ये मैं आपको समझाऊंगा किसके अलग अलग विषयों के बारे में। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है क्या कि पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर टीजीटी, हिंदी के लिए आपको हिंदी से होना चाहिए, इंग्लिश से आपको यही चीज आपका 3 साल का इंग्लिश से होना चाहिए। अगर हम लोग किसकी बात करें मैथ्स में तो मैथ्स में इन्होंने 3 क्राइटेरिया रखी है, आपका बैचलर डिग्री क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपका फिजिक्स और मैथ तो होना चाहिए, साथ में आप केमिस्ट्री हो तो भी चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो भी, कंप्यूटर साइंस और स्टेटिस्टिक्स हो तो भी चल जाएगा। दूसरे में बोला है कि अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे केवल अंतिम साल में 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, व्हिच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मेंशनड अबव इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स। तो अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे लास्ट में केवल 2 ही सब्जेक्ट लेके चलना होता है, वहां पे आपको मैथ्स और फिजिक्स का रहना अंतिम साल में जरूरी है, ये मान के चलिएगा ये आपका मैथ्स के क्राइटेरिया है, ठीक है। और बाकी 3 सब्जेक्ट इनमें से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स होना चाहिए, बाकी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स पहले और 2 साल में होना चाहिए। तीसरा बोला है कैंडिडेट अगर कोई BSc डिग्री है ऑनर्स के साथ मैथ्स में, तो सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स, मतलब कि आप तीनों में से किसी, कोई जरूरी नहीं कि अंतिम साल आप 2 से 3 में किए हो, आप पहले 3 में किए हो या पहले 2 में किए हो, तीनों में से कभी भी आपने फिजिक्स और इन चारों में से कोई एक लिए होगे तो आप ऑनर्स वाले भी एलिजिबल हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिया कैंडिडेट विद BSc ऑनर्स, अगर BSc फिजिक्स वाला है और केमिस्ट्री, आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ, या ध्यान देना अगर आपका ऑनर्स फिजिक्स है केमिस्ट्री है तो आप टीजीटी फॉर्म नहीं भर पाओ। टीजीटी जो साइंस है, साइंस में आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से होना चाहिए। कैंडिडेट क्या होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे केवल 2 सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री फाइनल ईयर में होना ही होना चाहिए और बाकी जो सब्जेक्ट हैं बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर ऑफ द एजुकेशन। अगर क्या है इन केस ऑफ द ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड द अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स होना चाहिए।
ये आपका क्या है, ये आपका साइंस का है। और सोशल साइंस में थोड़ा सा विचित्र है, इसमें क्या है, इसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो कंपलसरी होना ही चाहिए। कहने का मतलब या तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेयर बनाओ, ये आपका क्या होता है, 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन होता है। एक कमीशन ने क्या बोला है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट, तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट किए हो किस पे, कंबाइंड एट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी क्या होना चाहिए, हिस्ट्री अगर है तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। कहने का मतलब कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट तो आपका होना ही चाहिए। यही इन्होंने लिखा है, इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। एक कम से कम आपका हिस्ट्री होना चाहिए और या फिर एक कम से कम ज्योग्राफी होना चाहिए, इसके अलावा इनमें से कोई भी एक आपका होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल। हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल द 3 इयर्स इन द ग्रेजुएशन, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3 साल आपको पढ़े होना चाहिए। उसके बाद तीसरा इन्होंने क्या बोला है, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, अगर हिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री है तो इट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स, और अगर आपका ऑनर्स डिग्री ज्योग्राफी में है तो आप हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस 2-3 में से किसी भी 2 साल में आप लियोगे तो आप एलिजिबल हो। अगर कोई BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है तो वो TGT में नहीं एलिजिबल होगा, इस बात को ध्यान देना। इंपॉर्टेंट क्या दिया है कि कंडीशन एटलीस्ट ऑफ 50% आपका ओवरऑल मार्क होना चाहिए और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपका क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ये NBS की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सेम आपका EMRS का। यहाँ पे कंडीशन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, वही जो सब्जेक्ट है आपका उसमें होना चाहिए। हैविंग एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट एसेंशियल फॉर द पोस्ट, तो जो सब्जेक्ट से आप कर लो उसमें तो 50% होना ही चाहिए, साथ में ओवरऑल 50% हो, उसके अलावा किसी सब्जेक्ट में 50% हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैथ्स की बात करते हैं तो अगर आप TGT मैथ्स बनना चाहते हो तो आपका मैथ्स में 50% होना चाहिए कम से कम, और ओवरऑल भी 50% होना चाहिए, भले ही फिजिक्स में आपका 50% ना हो, भले ही केमिस्ट्री में 50% ना हो, भले ही स्टैटिस्टिक्स ना हो तो चलेगा, बट मैथ्स और ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी सारे TGT के लिए आपको क्या होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, ये ध्यान देना, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, BEd होना चाहिए। अब सीटेट इसमें कौन सा, पहला या दूसरा, तो सीटेट आपका दूसरा होना चाहिए और BEd आपकी डिग्री होनी आवश्यक है। तो BEd वाले कई जगह से बाहर निकाल देंगे प्राइमरी वैकेंसी से, बट TGT PGT में बहुत अच्छा स्कोप है, तो आप TGT PGT में अपने भाग्य को आजमाओ और मेहनत करो। भाग्य ही नहीं, मेहनत भी करोगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। कंपिटेंस आपका होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो नहीं भी आती है तो आप वहाँ से कोई फॉर्म में भरवाएंगे नहीं, आप इंटरव्यू में अगर होता है तो बोल दोगे हाँ आती है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, इंग्लिश हिंदी में तो कोई ना कोई आता ही है, बस ये लिखा हुआ है, बट ये मान के चलो कि थोड़ा बहुत हिंदी आनी चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, डिजायरेबल मतलब कि अगर आपके पास इनमें से कोई है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब ये अधिमानी अर्हता होता है कि आपके पास ये भी एक्स्ट्रा है तो आप अगर कोई 2 बच्चा बराबर नंबर पाता है तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। कौन सा, एक्सपीरियंस होना चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, और BEd यहाँ पे नोट क्या लिखा है कि अगर आपके पास कोई 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री है तो BEd वहां पे अनिवार्य नहीं है। आगे आते हैं, अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का, तो मैंने बोला ना 35 साल, आप चाहे EMRS में जाओगे चाहे NBS में जाओगे 35 साल आपका अपर एज लिमिट है, लेकिन EMRS एक जगह चेंज करता है कि अगर कोई EMRS का कैंडिडेट है, EMRS का एम्प्लॉय है तो उसे अपर लिमिट 55 है, जबकि NBS क्या कहता है कि अगर आप NBS के एम्प्लॉय हो तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप फॉर्म भर दो बस। बाकी जो SC है उनको 5 साल मिलता है, जो OBC उनको 3 साल मिलता है, SC ST को 5 साल, OBC वो भी केवल नॉन प्रीमियर ईयर वालों को, और कैंडिडेट भी 3 ईयर कंटीन्यूअस सर्विस अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल आपने किया तो 5 साल की मिलती है, अगर कोई जम्मू कश्मीर का है तो उसको 5 साल मिलता है। वुमेन ओनली इफ अप्लाइंग फॉर TGT, जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो महिलाएं हैं उनकी जो एज है वो 35 न मान के 45 माना जाए, वो चाहे EMRS की बात हो, चाहे NBS की बात हो, या किसी में बात हो, जितनी भी महिलाएं हैं उनका अपर एज लिमिट 45 साल, ठीक है। बाकी इनके साथ साथ जो आपका कोई वुमेन ऐसा है, जो कोई वुमेन SC ST कैटेगरी का है तो उसका 15 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब कि वो 50 साल की उम्र तक भर सकती है, अगर OBC है तो वो 47 साल तक भर सकती है, और जनरल है तो वो कितने तक, 45 साल तक भर सकती है। कोई केवल वुमेन की केस में है, पुरुषों को इसको नहीं दिया गया, ये केवल महिलाओं को दिया गया, और इसके पीछे भी कारण है क्योंकि अधिकांश जो रेसिडेंशियल स्कूल है उसमें छात्राएं भी बहुत ज्यादा है, तो एक इक्वलिटी बनी रहे इस कारण से महिलाओं को थोड़ा सा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। बाकी तो ये आप लोग देख लोगे कि क्या रिलैक्सेशन मिलता है। आते हैं हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो आपकी ये सारी चीजें होनी चाहिए एज की, एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की,
कब तक होनी चाहिए, तो आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक आपका मार्कशीट, आपका कोई सर्टिफिकेट है और आपका क्या होना चाहिए, आपकी बाकी सारी चीजें 30 अप्रैल से पहले पहले क्या 30 अप्रैल कर रहा हूँ, जो भी आपका फॉर्म की लास्ट डेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट के पहले पहले होना चाहिए। अगर 15 जुलाई को आता है तो 15 अगस्त के पहले पहले का होना चाहिए। लेमन लैंग्वेज आप समझ। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन एनबीएस और ईएमआरएस में स्लाइटली अभी चेंज है। ऐसा हो सकता है एनबीएस भी ईएमआरएस के तर्ज पे आ जाए। NBS कहता है कि भैया हम आपका एक CBT लेंगे और CBT के साथ साथ हम इंटरव्यू लेंगे, ये NBS कहता है। और हालांकि जो CBT होता है वो पैटर्न सेम है, मतलब कि एक आपका रिटन पेपर होगा, मेन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ABCD वाला आप उन्हें क्या करना रहे, मार्क करना रहता है। NBS इसे ऑनलाइन कराता आया है, EMRS पिछली बार पहली बार कराया था, तो EMRS ने इसको पेन पेपर बेस्ड में किया था, मतलब OMR बेस्ड किया था। EMRS जो करता है वो OMR पे गोला भरवाता है और जो NBS है वो क्या करवाता है, वो टिक करवाता है। टिक कहाँ पे करवाता है, कंप्यूटर पे करवाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे CBT बोला जाता है। तो अंतर केवल मोड ऑफ इसमें अभी तक ये हो सकता है, ये बदलते रहते, हो सकता है इस बार भी NBS भी क्या करवा दे, NBS भी आपका OMR करवा दे, क्या हो सकता है EMRS भी आपका CBT करवा दे, तो वो बात अलग है। मोड ऑफ जो आपका एग्जामिनेशन है वो NBS का CBT है और EMRS का पेपर बेस्ड है। दूसरी बात, दोनों का पैटर्न सेम है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, बट NBS क्या करता है, इंटरव्यू लेता है और EMRS इंटरव्यू लेता है TGT पोस्ट पे, ध्यान दिया जाए तो। और एक बात और जरूरी है कि NBS जो फाइनल रिजल्ट बनाता है वो आप जितना आप रिटर्न नंबर लाते हो, जो आप CBT होगा CBT में जितना नंबर लाओगे उसका 80% वेटेज और आपका इंटरव्यू होगा उसका 20% वेटेज, दोनों मिला के फाइनल लिस्ट बनती है, जबकि EMRS केवल आपका OMR बेस्ड जो पेपर होता है उसी पे आपकी फाइनल लिस्ट बना देती है। तो ये आपका क्या है, ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेन चीज इस पे, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन दोनों का सेम है, चाहे EMRS हो, चाहे NBS हो, या फिर चाहे DSSSB हो। DSSSB का भी लगभग क्या है, लगभग आपका सेम ही है। और अगर बात किया जाए KVS का तो थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज होता है, बट जो इनका सिलेबस है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम ही रहता है। क्या है मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको बोल दिया, ये आपका EMRS का OMR बेस्ड है, जबकि NBS का अगर आप देखोगे तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT मोड बोला जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम पैटर्न में आपका 120 नंबर का क्या होता है, जिसे कैलकुलेट होता है। वैसे जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो 150 क्वेश्चन का आएगा, ये ध्यान देना। 150 क्वेश्चन में से आपके जो मार्क्स जुड़ते हैं वो 120 क्वेश्चन को जुड़ते हैं, बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो आपका क्या है, वो आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन उसमें 40% लाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। 40% आपका क्या है, नेसेसरी है, इस बात का ध्यान देना, वो अनिवार्य है। ये होता क्या है, 30 क्वेश्चन, इसमें 10 इंग्लिश होता है, इसमें 10 क्वेश्चन आपका हिंदी होता है और 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज होता है। कोई व्यक्ति जिसका रीजनल लैंग्वेज आप इंग्लिश या हिंदी से भी चूज कर सकते हो, और अगर कोई रीजनल लैंग्वेज लेना चाहता है, जैसे कोई असमीज लेना चाहता है, कोई बंगाली लेना चाहता है, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, तो वो भी अपना रीजनल लैंग्वेज ले सकता है। लेकिन आप हिंदी भाषी या अंग्रेजी भाषी क्षेत्र से हो तो आप हिंदी या इंग्लिश में भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो। ओवरऑल 30 नंबर का ये हो, 30 क्वेश्चन का होगा और ये क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। 40% मार्क्स इसमें लाना जरूरी होता है, मतलब कि 12 क्वेश्चन इसमें आपके सही होना अनिवार्य है, इसमें 12 क्वेश्चन करेक्ट होना अनिवार्य है। बाकी आपका जो मेरिट बनता है, वो मेरिट क्या बनता है, मेरिट आपका इस 120 क्वेश्चन पे बनता है, इस बात को ध्यान देना, चाहे EMRS का हो चाहे NBS का हो। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप 120 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस क्वेश्चन, यही आपको यहाँ पे दिया गया। पैटर्न क्या होता है, लगभग पैटर्न सेम है। इसमें जनरल अवेयरनेस, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से आप समझ सकते हो, एक आप समझ सकते हो पार्ट ए और एक पार्ट बी समझ सकते हो। इसे आप बोल सकते हो पार्ट ए, या मैं तीन पार्ट में बोलूं तो ज्यादा बेटर है, इसे पार्ट ए बोल दो, इसे आप पार्ट बी बोल दो, और लैंग्वेज कंपटीशन को क्या बोल दो, इसको आप पार्ट सी बोल दो। ये क्या है, ये पार्ट सी है। तीन कैटेगरी में आपकी ये क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। पार्ट ए आपके जनरल होते हैं, सभी में कॉमन होते हैं। आप TGT चाहे मैथ्स चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, या फिर आपका किसी भी हिंदी या इंग्लिश हो, या फिर कोई मिसलिनियस कैटेगरी का हो, ये पार्ट आपका क्या रहेगा, ये पार्ट आपका सेम रहेगा। वो पार्ट कौन सा है, वो पार्ट आपका है 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस। ये EMRS में एजुकेशन एम्फेसिस पे बोलता है, पर पूछता सब कुछ है, स्कीम से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग NBS की बात करें तो ये भी जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक और एजुकेशन पॉलिसीज, या फिर आप बोल सकते हो कि जो नई स्कीम्स होती हैं उनसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में क्या होता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान से रीजनिंग होती है, और इसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर भी पूछा जाता है, और 10 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। ये चार पार्ट आपके क्या है, चार पार्ट आपके कॉमन पूछे जाते हैं। अब रही बात, तो यहाँ पे डोमेन लैंग्वेज जो है, ये डोमेन लैंग्वेज आपका क्या होता है, 80 क्वेश्चन का होता है। ये 10-10, 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया पार्ट ए। पार्ट बी आपका 80 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से EMRS जो कोर पार्ट होता है वो केवल 65 पूछता है।
बाकी जो 15 होते हैं उसको मैं बताता हूँ। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इन्होंने बोल दिया और डिफिकल्टी लेवल जो ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं इनका सिलेबस बहुत अच्छा होता है, बहुत आरामदायक होता है, बहुत आसान होता है और आप इसे इजिली कवर कर सकते हो। ये ग्रेजुएशन लेवल पे होता है बट ग्रेजुएशन क्या ये 11, 12 के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा पूछते हैं, फिर भी ये लिख देते हैं ग्रेजुएशन लेवल की ये अपर लिमिट ग्रेजुएशन तक लेके जाते हैं। यहाँ से आपके 65 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एनईपी 2020 से क्वेश्चन होता है और खेलो इंडिया फिट इंडिया होता है, लेकिन ये केवल फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए होता है, जनरल टीजीटी में खेलो इंडिया से प्रश्न नहीं होता। तो सी डी का मिला के लगभग 5 क्वेश्चन होता है और आपका जो बी होता है इसमें 10 क्वेश्चन होता है, टोटल मिला के आपका 15 होता है। अगर आपका अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर आप फिजिकल एजुकेशन वाले होंगे तो इस 5 में इसका पार्ट ज्यादा होगा और अगर आप जनरल टीजीटी के होंगे ये पीटी छोड़ के फिजिकल एजुकेशन छोड़ के तो बाकी कैटेगरीज में 5 क्वेश्चन केवल क्या होता है, 5 क्वेश्चन आपका एनईपी से ही पूछा जाता है, उसमें खेलो इंडिया से नहीं। एनबीएस की बात करें तो एनबीएस ऐसे अलग अलग तो स्ट्रक्चर नहीं बना के देता, वो बोलता हम 80 क्वेश्चन पूछेंगे और आपका इतने में लिखता है, साथ में वो एक ई पार्ट और लिखता है जिसे अब वो बोलता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड टाइप में बोल देता है या फिर आप बोल सकते हो टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड ना बोलो ये क्या होता है, टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप थोड़ा बहुत पेडागॉजी से समझ सकते हो। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ये केवल आपका जो है एनवीएस एक ई पार्ट अलग से जोड़ लेता है, ठीक है। बाकी जो एबीसीडी है ये एबीसीडी इसके भी कॉमन है और उसके भी कॉमन है, केवल आपका क्या होता है, केवल आपका एनवीएस में ये पार्ट जुड़ता है। सही बात पार्ट 5 की, तो ये केवल क्वालिफाइंग है, ये 30 क्वेश्चन का होता है, 12 क्वेश्चन करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, इसीलिए इसने क्या किया 120 नंबर का यहाँ पे लाइन खींच दिया कि इसी में से आपका होगा और टोटल पेपर क्या होता है 3 घंटे का होता है और इसमें कोई आपका सेक्शनल लिमिट नहीं होता, एक पेपर एक साथ ही मिलता है। ओएमआर बेस्ड पेपर होगा तो एक ही पेपर में आपके सारे होंगे और अगर सीबीटी होगा तो भी आपका एक साथ ही होगा, ये सेक्शन वाइज भले बटे हो सकते हैं बट उसमें टाइमर कोई नहीं लगा होता। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पैटर्न होता है, बहुत बेहतरीन। अब आते हैं बात की सिलेक्शन लेने के लिए आखिर हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, तो ये है आपका ईएमआरएस का कट ऑफ जो अभी ताजा ताजा आया हुआ है, जिसके आधार पर मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको एक नोटिफिकेशन। इसमें अगर आप देखो तो आप जिस भी टीचर, ये पीजीटी का है इसे अभी मत देखो, है ना, या पीजीटी वाले बच्चे तो देखो, यहां से 23 से लेके अगर आप 41 तक देखोगे, मैं एक बार जूम करके इन्हें दिखा दूंगा, है ना, अगर आप देखोगे, सॉरी, अगर आप यहां से देखोगे 23 से अगर आप 21 से देखना शुरुआत करो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टीजीआर्ट का जनरल कैटेगरी में 68 गया हुआ है, ऐसे अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 45, ओबीसी में क्या गया हुआ है 19। अब आप सोचो तो कितना 120 में से कितना कम नंबर ओबीसी कैटेगरी का किसमें आर्ट वगैरह में गया है, हालांकि जो एससी का है उसका ज्यादा है यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है और एसटी का 27 गया है, ओएच का यहाँ पे 47 गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ही कम मिले तो जितना नंबर आया उतने में उनका सिलेक्शन हुआ। ऐसे टीजीटी बंगाली में देखें तो बंगाली में 84 जनरल का गया, यहाँ पे कोई बच्चा ही नहीं था, ओबीसी में 82 गया और ऐसे यहाँ पे गया, टीजीटी इंग्लिश का 74 गया है, टीजीटी गुजराती का 36 नंबर केवल जनरल का गया है। अब आप सोचो ओबीसी का ज्यादा है और क्या है, अनरिजर्व्ड का 36 है, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे तो भी दे, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ही कम मिले तो उनको उसी कैटेगरी में रखा गया और 68 नंबर इनका बोल दिया गया, हालांकि बहुत सारी सीटें वैकेंट भी थी। टीजीटी हिंदी में 78 गया, टीजीटी कन्नड़ में 49 गया, मलयालम में 62 गया, थर्ड लैंग्वेज वाले हैं। अगर आप टीजीटी मैथ का देखो तो मैथ में आपको सही फिगर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं विषयों में देखने को मिलते हैं, अगर आप मैथ का देखोगे तो 81.25, ईडब्ल्यूएस का 75, ओबीसी का 74.50, ऐसे ही आप एससी का देखोगे तो 64.50, एसटी का देखोगे तो 57 और बाकी जो इसमें हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज होते हैं उनके जो आपके कट ऑफ दिए हुए, ऐसे अगर आप देखोगे बाकी जैसे टीजीटी यहाँ पे पेट मेल का 52 केवल गया है, टीजीटी अगर पेट फीमेल का देखो तो केवल 28 नंबर गया, 8 नंबर ईडब्ल्यूएस पे हो गया, 4 नंबर ओबीसी पे हो गया, ये 8.5 नंबर, मतलब आप सोचो ये मजाक है अगर आप लोग टीजीटी पेट फीमेल में देखो तो। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे कैंडिडेट कम मिलते हैं, अगर आप इनके पास आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप अक्सर क्या होते हो राज्य के टीजीटी में परेशान रहते हो, जबकि यहाँ पे 10-10 नंबर 5-5 नंबर लाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो थोड़ा सा आंखें आप खोलो, तो मैं बात बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके सामने सब कुछ ओपन है, केवल आपको बस मैं कह रहा हूँ कि इस बार हो सकता है ये बढ़ जाए, इस बार ये पहली बात है तो कम था, इस बार बढ़ जाए, कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा 20-30-40 बढ़ जाएगा, मैं कह रहा हूँ 50 नंबर भी आप 120 में नहीं ला पाओगे, अरे भाई अगर आप परीक्षा प्लस के साथ हो तो 50 क्या, हम आपको 70-75-80 भी नंबर दिला देंगे, बहुत इजिली दिला देंगे, मेहनत करोगे तो और भी ज्यादा आ जाएगा।
ये बात ध्यान देना कि आपको सिलेक्शन लेना है, ये आपका सिलेक्शन रेशियो बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे बच्चों का। और ये हमारे तो बार बार बुला बुला के क्या कर रही है कि भाई आओ नौकरी ले लो, आओ नौकरी ले लो, बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ये ऐसी जगह पे है ये हमारे एनबीएस जहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं देते, सोचते कौन जाएगा रेसिडेंशियल स्कूल में, कौन जाएगा इतना दूर नौकरी करने। बट आज के समय में ज्यादा जरूरी नौकरी है, ज्यादा जरूरी दूरी ज्यादा जरूरी नहीं है। ये बात आपको समझ में आए, जहाँ नौकरी है वहीं पे घर है, वहीं पे परिवार है, वहीं पे संसार है। कई लोग अपने अपने राज्य से हटके अपनी पूरा जिंदगी एक अलग राज्य में व्यतीत कर देते हैं और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। देखो बस इस बात में आगे रहते हैं कि दिमाग से ये कीड़ा निकाल देते हैं कि मेरा घर छूट जाएगा। बस ध्यान रखो जहां पे आप रहते हो, जहां पे आपके लोग रहते हैं वही आपका घर होता है, और ऐसे में नौकरी करना भी बहुत आसान हो जाता है। सही बात, अगर मैं एनबीएस की बात करूं तो एनबीएस का कट ऑफ एक बार आप देख लो क्या। सब्जेक्ट में अगर इंग्लिश को देखो तो 72 नंबर गया है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी देख सकते हो। हिंदी में 77 नंबर गया, मैथ्स में केवल 75 नंबर, साइंस में और भी कम 65 और एसएसटी में और भी कम नंबर 62 गया है। ये 120 में से गया। हालांकि जो एनबीएस का है, एनबीएस का मैं पैटर्न आपको बता दूं, एनबीएस में क्या होता है, इसमें 80% जो होता है 80% 120 क्वेश्चन का लिया जाता है। मतलब कि लगभग आपका 96 क्वेश्चन का यहाँ पे जोड़ा जाता है और 20% आपका क्या होता है, इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ा जाता है। इंटरव्यू भी 100 नंबर का यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, और 20% यहाँ पे जोड़ा जाता है। इस बार क्या होता है इस चीज को हम लोग देखेंगे, बट 80% मिलके ये बनता है, और इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट में देखेंगे। बाकी जो थर्ड लैंग्वेज है, अन्य कैटेगरीज है, उनको जब मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें सब कुछ आपको बता दूंगा किसका कितना कट ऑफ गया है। ये इन जनरल मैं आपको पूरा वीडियो बना के लेके आया हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ भाई तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है। तो अब आती है बात कि जब इतना आसान है, इतना कम कट ऑफ जाता है, सिलेबस भी कोई बहुत कठिन नहीं है, आसानी में एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपको डिस्कस करूंगा कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सबको डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे फिर तैयारी हमें क्यों नहीं कर लेना चाहिए। और टीम परीक्षा प्लस इसीलिए आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए, आपके सिलेक्शन का बोल सकते हो कि जो चांसेस हैं उसको बढ़ाने के लिए, आपकी तैयारी को एनहेंस करने के लिए, और आपको एक अध्यापक बनते हुए देखने के लिए ये बहुत बेहतरीन कोर्स लॉन्च कर रही है। जिसमें अगर देखा जाए अभी हम EMRS NVS से कंबाइन चलेगा, EMRS NVS में कुछ भी अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि कुछ भी अलग है, एक एक चीज सेम है। कहीं क्वेश्चन 19-20 का लेवल होगा तो वो तो हम प्रैक्टिस में करते ही हैं। तो EMRS NVS TGT SST का 1999, EMRS NVS TGT मैथ्स का 1999, 5000 की इसकी फीस रखी गई है, बट अभी ये वेलकम ऑफर में 60% ऑफ के साथ इसे दिया जा रहा है आपको। तो EMRS NVS TGT हिंदी का ये भी, मतलब आप कोई भी देखोगे, आप इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, पांच विषयों का हम लोग निकाले हैं, पांच विषय में आपके ये सारे के फीस आपके 1999 ही है। और ये केवल सब्जेक्ट, मतलब कि जो डोमेन नॉलेज है, ये केवल डोमेन नॉलेज के हैं। मैं आपको बता दूं ये डोमेन नॉलेज वाले पार्ट के लिए है, ठीक है, सब्जेक्ट वाले पार्ट के लिए है। इसका जो आपका कॉमन पार्ट है उसका आपका अलग से चलता है, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, वो आपका 699। तो अगर कोई बच्चा कॉमन पार्ट छोड़ के इसका भी पढ़ना चाहता है तो आप इससे जुड़ सकते हो। ये बहुत फीस है, आप अन्य संस्थाओं को जाइए कंपेयर करिए, जिनका भी आप नाम सुने होंगे टीजीटी पीजीटी टीचिंग में, आप कभी भी 5000-4000 से नीचे उसकी फीस नहीं देखोगे। बट परीक्षा प्लस हमेशा एक न्यूनतम फीस में सबसे ज्यादा गुणवत्ता देने वाली टीम मानी जाती है, और मैं फिर प्रूफ कर दूंगा कि टीम परीक्षा प्लस आपने जो चुना था वो बिल्कुल सही चुना था और आपके सिलेक्शन करवाया यहाँ पे। EMRS में तमाम बोला जाए तो हजारों सिलेक्शन अगर देखा जाए तो परीक्षा प्लस की तरफ से हुए हैं, पिछले KBS में बहुत सारे सिलेक्शन परीक्षा प्लस की तरफ से हुए हैं, NBS में शुरू से ही परीक्षा प्लस सिलेक्शन देता आ रहा है, और इस बार भी बहुत सारे सिलेक्शन देने का फिर से प्रॉमिस आपसे करता हूं। मैं आपको एश्योर कराता हूं अगर आप इतना कवर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपको भी हमारे साथ अगर जुड़ते हो तो केवल मजाक में मत जुड़ेगा, आप तैयारी के उद्देश्य से जुड़ेगा। आपको लगे कि नहीं मैं टीम को फॉलो कर पाऊंगा, मैं तैयारी कर पाऊंगा, मैं 8-10 घंटे की स्टडी कर पाऊंगा तो जुड़िएगा, अन्यथा हमारा भी रिजल्ट का इशू ना खराब करिएगा, अपना भी समय ना खराब करिएगा, माँ बाप का पैसा ना खराब करिएगा। सिलेक्शन चाहिए होगा तो बिल्कुल जुड़िएगा, नहीं चाहिए होगा तो नहीं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और तुरंत ही अब दिमाग में आता है कि सर ये हम कहां से खरीदें, तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाएंगे वहां से आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org पे जा सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत है नीचे नंबर चल रहे हैं इन पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो बाकी पूरी डिटेल मिल जाएगी और सब कुछ आपको आपके आंखों के सामने मिल जाएगा और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। ये बैच, इसका रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है आज से, रजिस्ट्रेशन इसका आज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात किया जाए इसका बैच कब से स्टार्ट होगा, तो बैच आपका लगभग 27 मई से आपका स्टार्ट होगा, मंडे जो पड़ेगा, 26 में पड़ रहा है, 27 में एक बार देख लीजिएगा, ये आपका जो होगा 27 मई से आपका बैच ये स्टार्ट होगा, ठीक है। पढ़ाई इसमें क्लासेस चलने लग जाएंगी और अभी रजिस्ट्रेशन चलेगा, जैसे ही आपका ये रजिस्ट्रेशन बंद होगा इसकी फीस
बढ़ा दी जाएगी। तो ये वेलकम ऑफर है, आप इसमें अभी जुड़ सकते हो। और उम्मीद है एक बार जैसे परीक्षा प्लस पे विश्वास बनाए आए हो, एक बार दोबारा विश्वास बनाओगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके विश्वास का एक दाना भी मैं खराब नहीं जाने दूंगा, एक दाना भी बेकार नहीं जाने दूंगा। आपके विश्वास से ज्यादा आपको कहीं ना कहीं मैं रिटर्न में दूंगा और आपके मंजिल अवश्य पहुंचाऊंगा। फिर मिलूंगा, धन्यवाद।